सुप्रभात बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा है आप सही होंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से अपने आप को बचा करके इस वैश्विक दौर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, और जो समस्याएं सभी के सामने हैं वो आपके सामने भी होंगी। उन समस्याओं से आप पूरी तरीके से एग्रेसिव होकर के लड़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान दे रहे होंगे। मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी YouTube क्लास चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टॉपिक हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने पत्र के बारे में बताया था। पत्रों में मैं काफ़ी प्रकार बता चुके हैं। हमने एक पत्र लिख दिया था ज्ञापन, एक लिख दिया था हमने अर्धशासकीय पत्र, एक हमने निविदा लिख दी थी, और दो पत्र और रह रहे हैं। एक तो रह रहा है अधिसूचना और एक रह रहा है विज्ञप्ति। एक तो अधिसूचना और एक रह रहा है विज्ञप्ति। दोस्तों, दोनों में केवल और केवल अंतर इतना है कि यदि विज्ञप्ति के स्थान पर अधिसूचना लिख दिया जाए तो वह अधिसूचना बन जाती है, और अधिसूचना के स्थान पर विज्ञप्ति लिख दिया जाए तो वह विज्ञप्ति हो जाती है। लेकिन अंतर और भी है थोड़ा सा इसमें। तो सरकारी और गैर सरकारी संस्थान अपनी किसी बातों को लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बतलाने के लिए समाचार पत्रों में जो सूचनाएं प्रकाशित करते हैं ना, वो विज्ञप्ति कहलाती है। लेकिन इस अधिसूचना में केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार जब सरकारी आदेशों को, जो सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है, सरकारी आदेशों को आम जनता के लिए प्रसारित करती है तो उन सूचनाओं को वैधानिक रूप में अधिसूचना कहा जाता है। अर्थात सरकार ने जो कोई सूचना अपनी तरफ से कोई सूचना दी है कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं और वो सूचना जनता तक पहुंचनी है, तो सरकार उन सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो सूचना प्रकाशित करती है, जो गजट में प्रकाशित होते हैं, वो अधिसूचना कहलाते हैं। तो आइएगा आज हम अधिसूचना समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिसूचना की। थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे, क्लियर क्लियर करते चले। आपने कहा भी था कि साहब लिख दिया करो कंप्लीट। बहुत से तो ऐसे हैं कि उनके साथ बोल सर ही हम लिख लेंगे, बहुत से कह नहीं सर आप लिख दिया करो, तो मैं लिख रहा हूँ। टॉपिक है हमारा अधिसूचना। देखिए सर, केंद्र अथवा राज्य सरकार जब सरकारी आदेशों को, केंद्र अथवा राज्य सरकार जब सरकारी आदेशों को आम आम जनता के लिए प्रसारित करती है। मैंने पहले कहा था कि सरकार जब अपने आदेशों को आम जनता के लिए प्रसारित करती है कोई भी, तो इन सूचनाओं को तो सरकार के द्वारा दी गई है,
लीगल रूप में, कानूनन रूप में। आदि सूचना कहा जाता है। यानी कुल मिला कहने का मतलब ये सरकारी सूचनाएं होती है, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर्स का कोई मतलब नहीं होता, जबकि विज्ञप्ति सरकारी भी हो सकती हैं और गैर सरकारी भी हो सकती हैं। विज्ञप्ति सरकारी संस्थान में निकालते हैं और प्राइवेट संस्थान भी अपनी तरफ से विज्ञप्ति निकाल सकते हैं कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आदि सूचना के अंतर्गत होते। तो आप समझ गए होंगे कि केंद्र अथवा राज्य सरकार जब सरकारी आदेशों को आम जनता के लिए प्रसारित करते हैं तो इन सूचनाओं को वैधानिक रूप में अधिसूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिसूचना कहा जाता है। समझ गए कि केंद्र अथवा राज्य सरकार अर्थात कार्य केवल और केवल सरकार का, गवर्नमेंट का है, प्राइवेट सेक्टर का कोई मतलब नहीं है। जब अपने कोई सरकारी आदेश है जो सरकार के द्वारा दिया गया है आम लोगों के लिए, जो आम जनता है उनके लिए जो प्रसारित करती है कि हम क्या आदेश देने जा रहे हैं, तो इन सूचनाओं को वैधानिक रूप में अधिसूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिसूचना कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब देखो इस अधिसूचना को हम प्रारंभ करते समय किन किन चीज़ों के आधार पर लिखते हैं वो देख लीजिएगा आप। देखो कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें कुछ भी तो नहीं है, थोड़ा सा प्रारूप बता देते ना। यहाँ तो जहाँ से वो लिख रहा है, जहाँ से ये अधिसूचना जा रही है लिखने वाले का, प्रेषक का पता या नाम, कार्यालय का नाम व पता जो भी है, ठीक है। अब इधर तो अपन लिख देंगे क्या, यहाँ तो आएगी दिनांक भाई साहब, वो क्या आएगी? दिनांक। और यहाँ आएगी भाई साहब अधिसूचना संख्या या पत्रांक या क्रमांक। लिख दिया। अब जब इतना लिख देंगे तो यहाँ लिखेंगे अपन अधिसूचना, और फिर तीन चार लाइनों में अपन जो मुख्य बातें हैं किन किन के बाद, ज़्यादा बढ़ानी भी नहीं है क्योंकि शॉर्ट में होती हैं, बड़ी बातें होती हैं और कुछ भी नहीं होने के बाद, यहाँ हम लिखने के बाद अपन लिख देंगे हस्ताक्षर। क्या लिख देंगे? हस्ताक्षर लिख देंगे। किसका? प्रेषक का, जो लिख रहा है। इस तरह से ये सरकारी होगा और तो कौन होगा, इस तरह से ये लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ये हमने आपको बताई अधिसूचना। अब देखो साहब, अब अपन एक अधिसूचना लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अधिसूचना। देखिए अधिसूचना पहला प्रश्न देखते हैं अपन, मिटा दो इसको मैं, आप हो गया लिखे। राजस्थान सरकार, प्रश्न नंबर एक, अब सरकार में विभाग भी काफी होते हैं, कौन से विभाग का है? राजस्व विभाग। अब राजस्व विभाग में भी काफी ग्रेड होती है, काफी अधिकार होते हैं। राजस्व विभाग उपशासन सचिव के रूप में, उपशासन सचिव के रूप में, उपशासन सचिव के रूप में
अधिसूचना जारी करो। अधिसूचना जारी करो जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राजस्थान सरकार राधे राधे राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गाँव की ओर की सूचना हो। प्रशासन गाँव की ओर अभियान के सूचना दी गई। ये अधिसूचना है सारी, इसमें हमें दिया गया है कि राजस्थान सरकार का राजस्व विभाग का उपशासन सचिव के द्वारा एक अधिसूचना जारी करनी है कि जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गाँव की ओर जो अभियान चले थे शहरों की ओर गाँव की ओर उसमें अभियान की जो सूचना या जानकारी दी गई है। तो अब हमें अधिसूचना लिखनी है, देख लेना आप इसे। अब अपन चलते हैं साहब। देखिए साहब, ऊपर ही ऊपर लिखेंगे राजस्थान सरकार। ठीक है, कौन सा विभाग था? राजस्व विभाग, शासन सचिवालय। शासन सचिवालय, शासन सचिवालय जयपुर। इतना तो हम सबसे पहले लिख ही लेंगे, लिख लेंगे ना। अब इधर अपन लिखेंगे दिनांक। इकतीस बारह 2019। और इधर अपन लिख देंगे क्रमांक संख्या 420-308। यहाँ तक लिख देने के बाद कुछ शॉर्ट रूप में भी चलेंगे। शासन सचिवालय राजस्व विभाग अधिसूचना 19-20। इतना हम जब लिख देंगे, अब देखो अपन यहाँ मध्य से स्टार्ट करेंगे। मध्य में लिख देंगे हम अधिसूचना। अगर विज्ञप्ति होती ना सेम, यही क्या लिख देते, विज्ञप्ति। हाँ भाई, अब हमें जिसके बारे में हमें लिखना है ना उसके बारे में बताना है। प्रशासन गांव के संघ के बारे में हमें बताना है सब। ठीक है, बताते हैं सब। राजस्थान सरकार द्वारा
राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांव की ओर प्रशासन गांव की ओर 2019 के अंतर्गत जारी, क्योंकि इस इन अभियानों में ना किसानों के कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, मूल निवास पत्र हैं, जाति निवास पत्र, क्योंकि अधिकारी सभी वहीं रहते हैं तो साइन सिग्नेचर करने में कोई दिक्कत नहीं आती। जारी मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर हेतु तहसीलदार आदि उस प्रशासन गांव की ओर में यह तहसीलदार साहब भी होंगे और इन्हें उन पर साइन करने होंगे। इसलिए जिसको भी बनवाना है ना, यदि सूचना 31 मार्च अथवा अभियान संचालित होने तक जो प्रभारी रहेंगे और समर्थक रहेंगे, ये अधिसूचना यह अधिसूचना सॉरी मैं ना थोड़ा सा तारीख अपने से घटा देना, 31/11 कर लेते ना, क्योंकि 2019 लिख दी हमने यहाँ और 2019 में ख़त्म होगी यह अधिसूचना। December 31, 2019 अथवा अभियान संचालित होने तक अभियान संचालित होने तक जो भी पहले हो, जो भी या तो 31 दिसंबर तक या अभियान कब तक होगा, इनमें से जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगा, यानी तब तक ये रहेगा या रहेगी जो भी बात अपन लिख दें, ठीक है, और उसके बाद अपन वो लिख ही देंगे यहाँ क्या हस्ताक्षर किसके होंगे, उप शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार इतना हम लिख देंगे। अब इसमें क्या कुछ ना हम जैसे अपन कोई फॉर्म भरते हैं ना तो हम जैसे 2 कॉपी लगाते हैं, 10वीं की लगा दी, 12वीं की लगा दी, BA की लगा दी, ऐसे ही जैसे ही सरकार कोई सूचना प्रसारित करेगी ना तो वो सूचना को फैक्स भेजे जाएंगे किन किन के द्वारा, आप जिस सरकार भेज रही है कहाँ के लिए सूचना भेजी गई उसके अधिकारी के लिए, DM के लिए, कलेक्टर के लिए या सरकारी विभाग में जो भी है जिस विभाग से संबंधित है रिलेटिव, उन सबको ये पत्र लिखे जाएंगे। तो यहाँ अपन साइड में लिखेंगे सूचनार्थ
प्रतिलिपि, यानी किन किन के लिए हमने इस लिपि या लिख रही है भेजी है, किन किन के लिए हमने इनको सूचना की है। तो देखो कौन कौन है, नंबर एक, दो तीन तो लिखने ही पड़ेंगे। किस किस के लिए, निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, अब किसका है निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, एक तो इनके लिए भेज दी गई। नंबर दो पे किसके लिए भेजेंगे, नंबर दो पे भेजेंगे सचिव। भाई ये मंत्री तो उनके हिसाब से कार्य करते हैं जो ये लिख कर देते हैं, सचिव राजस्व विभाग, एक प्रतिलिपि उनके पास, राजस्थान सरकार। नंबर तीन पे एक प्रतिलिपि और भी भेजेंगे, किसके लिए, समस्त जिला कलेक्टर, जितने भी हैं उन सब सब के लिए भेजेगा। समस्त जिला कलेक्टर, और तीन हो गए, एक चार पर एक और प्रति भेज दें, निदेशक, किसके लिए भेज दी, सचिव, एक तो हो गया निजी सचिव, एक हो गया सचिव, एक हो गया जिला कलेक्टर, और एक हो गया राजकीय मुद्रालय विभाग, राजकीय मुद्रालय विभाग। इस तरह हमने इनको क्यों लिखी जाती है, ये इसके है कि राजपत्र में जो प्रकाशन के लिए ना इनको मुद्रालय मुद्रित होती हैं, जो उनको छापते हैं, जो मुद्रालय जो विभाग है ना हमारा, उनका जो निदेशक है डायरेक्टर, उनके लिए हमने सारी सूचनाएँ भेज दी। ये इसके लिए कोई दिक्कत मत लेना कि भाई क्या होगी, जैसे मान लो हम किसी कलेक्टर ने कोई सूचना भेजी कठुमर के लिए, तो सूचना लिपि में अलवर का सचिव के लिए होगी, कठुमर तहसीलदार के लिए होगी, कठुमर प्रिंसिपल के लिए भी ये सूचना दी गई होगी। तो इस तरह से हमने इस अधिसूचना के बारे में आपके लिए थोड़ा बहुत बताया। इस अधिसूचना में मैं आपसे कहूँ, इस तरह होता है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान जो आम लोगों के लिए सूचनाएं प्रकाशित करते हैं ना, वो विज्ञप्ति कहलाते हैं। लेकिन यहाँ हमने, मैंने विज्ञप्ति से पहले अधिसूचना लिखाई है, थोड़ा सा अलग, पहले विज्ञप्ति होती थी लेकिन मैंने अधिसूचना लिखा दी। सरकार जिसमें केंद्र होती है अथवा राज्य सरकार होती है, केंद्र अथवा राज्य सरकार आम जनता के लिए सरकारी आदेशों को आम जनता के लिए प्रसारित करती है। केंद्र अथवा राज्य सरकार अपने सरकारी आदेशों को आम जनता के लिए प्रकाशित करती है, तो इन सूचनाओं को वैधानिक रूप में हम अधिसूचना कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब केवल और केवल इतना है कि ये सब सरकार से रिलेटिव होती है अधिसूचना, इन्हें कोई प्राइवेट्स या लिमिटेड संस्थान जारी नहीं कर सकते, जबकि विज्ञप्ति को सरकारी और गैर सरकारी संस्थान जो हैं वो जारी करते हैं। अर्थात मैं यूँ कहूँ, विज्ञप्ति के स्थान पर यदि अधिसूचना लिख दिया जाए तो अधिसूचना बन जाता है, और अधिसूचना के स्थान पर विज्ञप्ति लिख दिया जाए तो वो विज्ञप्ति लिख बन जाती है। यहाँ से स्टार्ट कर कुछ भी नहीं है,
मध्य में जहाँ से लिखा जा रहा है वह बायोडाटा आएगा, ठीक है, और इधर दिनांक लिखा जाएगा, इधर क्रमांक संख्या। ये विज्ञप्ति और अधिसूचना दोनों सेम सेम चल रहे हैं, और फिर जो चीज़ लिखनी है वो लिख देंगे, और इसको हमें ज़्यादा बढ़ाना नहीं। इसके बाद हस्ताक्षर, विज्ञप्ति में ये चीज़ नहीं आएंगी, सूचनार्थ, प्रतिलिपि वगैरह वगैरह। इस तरह से ये हमने आपको अधिसूचना लिखना सिखाया। अब आगे की जो क्लास है ना, मैं आपको अब टाइम इतना भी है भी नहीं, अगली जो क्लास है ना उसमें एक कल जो हम आएंगे तो एक अधिसूचना और लिखने के बाद विज्ञप्ति को भी अपन लिखना सिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अपन लिखते हैं तो खिचड़ी हो जाती है, फिर क्या है कि वो समझ में भी नहीं आता, फ़ायदा क्या रहता है। हमें ना थोड़ा थोड़ा के हिसाब से ज़्यादा सीखना है, क्योंकि वैसे भी इतनी आजकल क्लासें भी इतनी ज़्यादा चल गई कि हमें उन सब भी वेटेज देना पड़ता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से वेटेज में लेकर के तैयारी की मानक बनाएं और रूपरेखा बनाएं, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए यदि हम अब केयरलेस हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाला समय हमारे केयरलेस की हमें सज़ा देने के लिए तैयार है। दोस्तों, समय किसी का गुलाम नहीं होता, हम सब लोग समय के गुलाम हैं, इसलिए समय की कीमत को आप लोग पहचानें। इंग्लिश की कहावत, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम इज मनी, सब कुछ है जो समय है। इसलिए दोस्तों, समय की कीमत पहचानो। जो आपने समय अपना बिता दिया अब तक, उस समय को जो बीत चुका है उसे जाने दें, लेकिन आने वाला समय आप किस तरह से बिताओगे, उसको किस तरह यूज करोगे, इसका एक मानक बनाएं कि हमें किस तरह अपना टाइम बिताना है, स्पेंड किस तरह से हमें करना है। क्योंकि अब पढ़ाई के रूपरेखा के हिसाब से टाइम का पार्ट मानो, खेलना भी है और पढ़ना भी है। तो मेरा कहने का